हेलो गाइस, दिस इज एनके राव फ्रॉम जीनियर स्टडी रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी डोंट मग अप। तो जीनियर स्टडीज में आपका स्वागत है जी। मैं एनके राव आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में बात किया जाए तो एमसीक्यू हमने बहुत सारे एमसीक्यू कर रखे हैं जी। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के यूनिट एंड डायमेंशन के और स्पीड एंड वेलोसिटी के यूनिट एंड डायमेंशन कर रखे हैं जी, एमसीक्यू कर रखे हैं। और मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रिकल का मैं प्लेलिस्ट बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट बना रखा है जी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बना रखा है, और आपको करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना चाहिए। करंट अफेयर में बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें डिस्कस कराया जा रहा है जो एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी में जो आया हुआ है और टेक्नीशियन में आया हुआ है जो वो सारे क्वेश्चन, और उसके अलावा यूपी और हरियाणा का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया है उसके करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। तो आप वो ऑडियो जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए सुनने की, जिससे ज्यादा ऐसे भी आपको करंट अफेयर का ज्यादा पोर्शन नहीं है, स्पीड बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ही टॉपिक ज्यादा है, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का ही हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे जी। तो हम लोग चलिए, और आज क्वेश्चन नंबर हमने 68 डिस्कस कर रखा था, 69 डिस्कस करना है जी। तो 69 में देखिए, ये बोला है एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक समान वेग से है तो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है, बोल रहा है वेग गतिमान है जी। तो वेग क्या है जी, समान वेग से है तो स्पीड क्या हो जाएगा, जो स्पीड नहीं चेंज होगा जी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 69 का, तो 69 का आंसर हो जाएगा बी हो गया। चलिए, ये डी गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं जी। बोला है यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होगी। तो गति क्या होगी जी, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है जी। देखिए पहले डायग्राम बनाइए जी, और डायग्राम से आपको दिख जाएगा। कह रहा है कि वेग और क्या है जी, वेलोसिटी है, टाइम है। तो बताइए वेलोसिटी और टाइम में क्या है जी, ये ऐसे है, ये टाइम और लाइन के क्या है जी, समानांतर है। तो इसमें वेलोसिटी क्या है, हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट ही। तो अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या है जी, एक समान है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। एक समान त्वरित गति के लिए, अगला क्वेश्चन है 71 में, क्या बोल रहा है, एक समान त्वरण त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। एक समान त्वरित यानी एक्सेलरेशन क्या है जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कौन सा बताता है जी, तो वेलोसिटी और टाइम का कर्व रहता है, उसमें स्लोप क्या बताता है जी, एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका स्लोप क्या है जी, फिक्स है, स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है जी, कॉन्स्टेंट है। तो वही बोल रहा है समय, तो समान त्वरित के लिए वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस समय ग्राफ, अगर मान लीजिए दूरी और समय ग्राफ पूछता तो दूरी समय में देखते, ये वेग समय में है, वेग समय में क्या हो जाएगा, तो सरल रेखा होगी। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा जी। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जितना लॉजिक समझिए उतना सही है जी। हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं जी 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें दोस्तों को। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दिख रहा है, उस बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे आपको मैं वीडियो जब भी प्रीमियम करूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जाता है। बोला है समान त्रिज्या की लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद है जी, ठीक है, निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जा रहा है, क्या जी, एच ऊंचाई से गिराया जा रहा है, दोनों की पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। देखिए अगर देखिए यहां से यहां आना है तो अगर मान लीजिए एच ऊंचाई, तो एच का क्या होता है जी फॉर्मूला, यहाँ पे यू जीरो दिया गया है तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर के एच जो चलेगा, एच किस से चलेगा, तो एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। एक्सेलेरेशन क्या है जी, ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन जी है, तो जी तो दोनों के लिए फिक्स है, या रुई हो या लकड़ी हो या लोहे हो, सबके लिए जी क्या होता है, सेम ही होता है, तो जी सबके लिए सेम है। अब बोला है कि कौन पहले पहुंचेगा, और हाइट भी क्या है जी, सेम है, इसी हाइट से गिना रहा है दोनों को, तो हाइट भी सेम है, एक्सेलेरेशन भी सेम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से पता चल रहा है सेम क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा जी, बिल्कुल क्या होगा, समान होगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो का लाइक कर रहा हूँ जी, 1000 वीडियो का लाइक मिलना चाहिए,
चलिए आज का टारगेट है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी डेली बाय डेली टारगेट बदल लीजिए और उससे को आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जी। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट वाइज पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का ये टॉपिक जो है इसका इंपोर्टेंस क्या है जी, सबसे ज्यादा है आपको 40 नंबर का है, बाकी सभी क्या है जी 25 25 नंबर 10 10 नंबर के हैं, इसका एवरेज क्या है जी 40 नंबर का है। तो इसको अगर ज्यादा आपको करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है जी, एक समान वृत्तीय गति में डैश डैश है, एक समान वृत्तीय गति में क्या है जी, एक समान वृत्तीय गति यानी ऐसे है वृत्तीय गति है जी, एक समान चाल से वृत्तीय गति है, तो इसमें चाल और वेग दोनों अचर है। देखिए इसमें क्या है जी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन चाल चेंज नहीं हो रही जी। चाल क्या है जी, चाल तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, चाल चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेग क्या हो रहा है जी चर है, वेग क्या है जी चर है, तो वेग वाला चर किधर है, तो वेग चर आंसर क्या है 73 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए वेग चर है और चाल क्या है जी अचर है, क्योंकि स्पीड देखिए यहाँ पे स्पीड नहीं चेंज हो रहा, स्पीड का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन वेलोसिटी से मतलब है, वेलोसिटी क्या होता है जी वेग जो होता है स्केलर क्वांटिटी है सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे देखिए, यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए 5 ही है लेकिन चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है बार बार, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है जी। ठीक है ना जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं आज, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 की तरफ। क्या बोला है, एक समान वृत्तीय गति में, अच्छा 23 हो गया, 24 बोला है, 24 5 kg के वस्तु को 40 न्यूटन के बल लगाने पर, 40 न्यूटन का बल लगाने पर प्राप्त त्वरण हुआ है। देखिए देखिए जी, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, क्या होता है जी एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, एफ क्या है जी 40 न्यूटन है, एम क्या है जी 5 kg, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन 8 m/s² ए आंसर हो जाएगा, 74 का क्या हो जाएगा जी ए आंसर हो जाएगा 75। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25 में, क्या बोल रहा है जी, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, किसी किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नहीं रहते, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, इसका मतलब क्या है जी, वेग समरूप कहने का मतलब क्या है, वेग क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर क्वांटिटी है देखिए जी वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये नियत कब रहेगा, जब इसका वेक्टर क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों फिक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा वेग नियत रहेगा ना, तो मैं ही बोल रहा कि वेग का मान और दिशा दोनों क्या होने चाहिए परिवर्तनशील, किसी समरूप कहा जा सकता है, किसी वेग का पिंड समरूप कहा जा सकता है जब वेग का मान और दिशा दोनों ही क्या रहे परिवर्तनशील नहीं हो जी, क्या है परिवर्तनशील नहीं हो, इसमें नहीं छूट गया है ठीक है जी, नहीं हो दोनों कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, क्या जी विस्थापन क्या है समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का वेग बोलिए, देखिए जी डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है टाइम का, तो डी बराबर एस सॉरी एस मान लेते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा के टी, तो क्या है जी यहाँ पे जो है आपको डीएस बाई डी टी करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी के हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है जी कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो क्या है जी वेग क्या है समरूप है क्या है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, वेग क्या है जी समरूप है, वेग क्या है जी कांस्टेंट है ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कोई हार्ड नहीं है, बस उसको समझने की आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन लगा पाइएगा। वहीं मैं कहता हूं डोंट मगर, ट्राई टू बिल्ड रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी, दैट्स विल मेक यू हेल्प फॉर योर फर्दर स्टडी, इफ यू नो दैट इफ यू मग अप दीज क्वेश्चन देयर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन, देखिए आप कोई भी फर्दर एग्जाम देखिए उनमें आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए डोंट मग अप, ट्राई टू बिल्ड योर कंसेप्ट। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होती है, मुक्तावस्था से गिर रही है जी अभी बात किए थे, गिर रही है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होती है, दूरी क्या किसके समानुपाती होती थी, अभी तो फॉर्मूला लिखे जी, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई गिरना, यहाँ वेलोसिटी क्या था जीरो था, तो मुक्त अवस्था से गिर रहा है तो एच बराबर क्या हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए जो वीडियो इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाकर वो वीडियो देख ले, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा जी, तो एच क्या हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, तो किसके प्रोपोर्शनल है त्वरण के प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जी हाइट, वही बोल रहा है
तो मुख्य दूरी समानुपाती हुई किसके, तो पिंड की मात्रा से, मास से तो कोई मतलब नहीं था, गिरने का समय से, गिरने का समय तो था हमारे पास, गिरने का समय तो था जी, और क्या है जी, गिरने के समय के वर्ग का, तो गिरने के समय के वर्ग है, देखिए किसके है जी, समय का क्या है जी, वर्ग है, तो वर्ग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, 77 का आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है एक कण का प्रारंभिक वेग दिया है जी, ठीक है जी, प्रारंभिक वेग यानी क्या दिया है जी, हमको यू दिया है, क्या दिया है जी, हमको यू दिया है, तो यू अगर दिया है मान लीजिए, तो हमको क्या निकालना है जी, चाल निकालना है जी, देखिए एक, अब वी बराबर क्या होता है जी, यू प्लस एटी, इसको समझिएगा, वी बराबर यू प्लस एटी होता है, तो वी को हमको निकालना है, यू क्या दिया है जी, थ्री आई प्लस फोर जी, ठीक है जी, प्लस ए त्वरण दिया है, यहाँ पे क्या दिया है जी, 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, 0.3 j कैप, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, सब हमें SI यूनिट में रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 i कैप प्लस 3 j कैप, तो देखिए i i के साथ जुड़ता है तो 7 i कैप प्लस 7 j कैप, और j j के साथ जुड़ेगा जी, ठीक है, तो 7 i कैप 7 j कैप क्या मिला वेलोसिटी। अब देखिए अब इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा जी, तो यहाँ पे मान अच्छा जी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए तो 7√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 7√2, देखिए इसका मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यों कैसे निकालते हैं जी, तो रूट अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो 7√2 हो जाएगा, जो अप्रोक्स क्या हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा अप्रोक्स 10 के बराबर हो जाएगा, सही है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 पे, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, उसको बनाने की जरूरत है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी को ऐसे नहीं समझ में आता, किसी को अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो कैसे बनाएगा जी, तो हम उसके लिए बता देना चाहेंगे जी, देखो जी इसमें जो क्वेश्चन बनाया है इसमें कैसे बनाया है जी, 85 है और ये भी 5 है, 5 5, चलो जी क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए बोल रहा है एक ग्राफ दिया गया जी, देखिए बहुत, देखिए हमने क्वेश्चन जो हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाए थे, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके उस वीडियो का रिवीजन भी कर सकते हैं जी, तो देखिए अगर कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है तो बिल्डअप करना पड़ेगा जी, देखिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं और क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, अगर ऐसा आपको अगर बिल्डअप नहीं है तो आप वीडियो को पहले देखें जी, मैंने सारे चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं, उसके बाद में क्या रहा है एमसीक्यू बना रहा हूं, एमसीक्यू में एक्चुअली डेली अपलोड कर रहा हूं, आपको भी पता है कि 40 नंबर आने वाले हैं तो इसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस भी किया जाएगा, तो 50 न्यूटन के एक बल को एक्स एक्सिस पर घटक 30 न्यूटन है जी, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर कितना है जी 30 न्यूटन का है, एक्स पे क्या है 30 न्यूटन है, और वाई एक्स पे घटक का क्या होगा जी 50 न्यूटन है, मान लीजिए 50 न्यूटन है, वाई एक्सिस पे क्या होगा ये पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो भी रहता है यहाँ थीटा रहता है, तो 50 का कॉस थीटा, 50 इसका कॉस थीटा क्या है जी, सही से समझिएगा जी, इसका अगर लेंगे तो 50 कॉस थीटा क्या है जी, नीचे की तरफ कॉस थीटा होता है बराबर कितना है 30 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगा, 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालिए, तो साइन थीटा के देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1 होता है, तो यहां से निकालिएगा साइन, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर रखिएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा 4/5, क्या आ जाएगा जी 4/5 आएगा, तो हमको निकालना है इसका 50 sin थीटा, तो 50 sin थीटा क्या हो जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है 50 है, इसका इधर क्या होता है जी, तो इधर होता है 50 sin थीटा होता है, और इधर क्या होता है जी 50 cos थीटा होता है, तो ये हमको 50 cos थीटा 30 दिया था, 30 के बराबर कर दिए, और ये 50 sin थीटा है, तो साइन थीटा निकाल कर इससे हम cos थीटा निकाल लेंगे, और साइन थीटा उसके बाद निकाल लेंगे, और उस साइन थीटा का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा इसका वैल्यू पता चल जाएगा जी, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि साइन थीटा हमने निकाल रखा है, तो क्या है जी 50 sin थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40, यानी ये क्वांटिटी क्या है जी 40 है, ये क्वांटिटी 30 है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा,
ठीक है ना, बहुत अच्छा है जी। देखिए मैं कुछ को बोलूंगा कि अगर जिसको भी अगर वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है जी, वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज ले लें, ठीक है ना जी। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसे होने के चांसेस भी हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट आएगा, लेकिन कम से कम हमको उसका तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि एक एक नंबर भी क्या कर सकता है जी, हमारे यहाँ पे वेटेज बहुत ज्यादा है, 40 नंबर वेटेज बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल माना जाता है जी। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 40 न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन टी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की तरफ जी, 80 नंबर पे क्या है जी, तो 80 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। अगर यू वी डब्ल्यू तीनों का सम क्या है जी, तीनों का सम क्या है जी, 0 है। यू का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसका मान निकालना है जी। देखिए U प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है जी, 0 दिया है। देखिए जी, अगर मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, इसका मतलब होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस इसका ए स्क्वायर, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है जी, ठीक है ना। इसको निकालना पड़ता है, तो ऐसे होता है जी। और देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना जी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यू डॉट वी को निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको निकालना चाहें, तो सॉल्यूशन निकालते हैं जी, डॉट निकालना है, चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है जी, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है जी, 0 है। तो यू प्लस वी, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या था जी, देखिए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर 0 है। तो देखिए वेक्टर है सारे काउंटेड, वेक्टर का देखिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू सारे वेक्टर है जी, 2 यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू बराबर 0। इसका वैल्यू देखिए यहाँ पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 4 का 16 50 25 प्लस, इसको हम अगर उधर ले जाते हैं तो क्या जाएगा, -2 यू भी डॉट है जी, सब क्या है डॉट है इसमें, ठीक है ना, यू भी वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 50/2 माइनस इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यू डॉट वी प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो -25 यानी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है जी, 80 का गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर ऐसा दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। अगर इसका पूछा रहता तो आंसर सी होता, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। देखिए 1 जूल बराबर होता है जी, 1 जूल बराबर क्या होता है, देखिए अब 711 अर्घ होता है, अगर याद है आपको तो याद कर लीजिए, नहीं तो नहीं याद है तो देखिए जी, 1 जूल बराबर क्या होता है, वर्क, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। एफ क्या होता है जी, अगर मान लीजिए ए है जूल, जूल यूनिट में रखें, इसको हम किस में रखेंगे जी, सीजीएस में रखेंगे तो ना अर्घ आएगा, तो फोर्स को हम किस में रखेंगे, डाइन में रखेंगे, इसको किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे तो आएगा। तो एक फोर्स, एक एक न्यूटन फोर्स बराबर क्या होता है, 10^5 डाइन होता है जी, ठीक है। तो 10^5 आ 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है जी, तो 1 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, तो 10^5 × 100 तो क्या हो जाएगा, 10^7 क्या हो जाएगा, ये सीजीएस में क्या आ जाएगा, वर्क का यहाँ जूल आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अर्घ आ जाएगा यूनिट। तो एक अर्घ, 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 10^7 अर्घ हो जाएगा। तो समझ सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनाना है जी। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ भी ऐसे भी सेम ही प्रोसेस दिया है मैंने जिसे किया, बोला है 2 सदिश के सदिश उत्पाद का परिमाण उनके अदिश उत्पाद के परिमाण से 3 गुना है, तो सदिश के बीच कोण बताइए। देखिए जी बोला है 2 सदिश के सदिश का उत्पाद का परिमाण अदिश उत्पाद के परिणाम का क्या है जी, 3√3 गुना है, क्या है जी, √3 गुना है। देखिए इसका मतलब क्या है जी, ए ए प्लस बी वेक्टर जो है बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना है, अच्छा जी, तो सदिश के बीच का कोण। तो देखिए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस
टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी। ए तो कितना है, रूट थ्री टाइम्स है, रूट थ्री टाइम्स है। दो सदिशों के सदिश उत्पाद का परिणाम, उनके अदिश उत्पाद के परिणाम के क्या जी। अच्छा, अगर मान लो ये तीन है, अगर ये, अच्छा जी, अदिश उत्पाद यानी दोनों को डायरेक्ट जोड़ने पे क्या मिला जी, उसका क्या है, रूट तीन गुना आया है। यानी ए जो है रूट तीन गुना है, यानी इसका क्या है जी, रूट तीन गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए मिलेगा हमको। चलिए जी, दो सदिशों के सदिश उत्पाद, सॉरी, इस सदिश उत्पाद का मतलब होता है जी वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी है तो इसको क्या बोलेंगे जी, सदिश उत्पाद बोलेंगे। और ए डॉट बी रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, अदिश उत्पाद बोलते हैं। देखिए, ए क्रॉस बी को सदिश उत्पाद बोलते हैं, ए डॉट बी को क्या बोलते हैं जी, अदिश उत्पाद बोल रहे हैं। वही बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दो सदिशों के सदिश उत्पाद, सदिश उत्पाद का मतलब क्या है जी, ए क्रॉस बी बोल रहा है, उसका परिणाम अदिश उत्पाद, अदिश उत्पाद का क्या है जी, तीन गुना है, यानी रूट थ्री टाइम्स ऑफ क्या है, ए डॉट बी के, ठीक है जी, ए डॉट बी के। क्वेश्चन आप समझ में आ गया, तो यहां से हमको क्या मिला जी, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्रॉस में क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये क्या है जी, डॉट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कट गया तो आ गया टेन थीटा बराबर रूट थ्री आ गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा उनके बीच का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई थ्री आंसर ए हो जाएगा। पाई बाई थ्री क्या होता है, 60 डिग्री होता है जी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है जी, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है, शून्य मंदन प्रदर्शन। देखिए जी, देखिए वेग और समय ग्राफ में क्या होता है जी, स्लोप होता है, क्या होता है, त्वरण होता है। इसमें त्वरण क्या है जी, एक फिक्स है, तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप क्या है, जीरो है, तो इसमें त्वरण क्या है जी, जीरो है। तो बीसी में तो त्वरण क्या है जी, जीरो है, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी का एक टॉपिक समाप्त होता है जी, मैं स्पीड एंड वेलोसिटी का सारा करा दिया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जी, और कुछ और क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है ना जी, स्पीड इसके बाद अगले चैप्टर में करेंगे। तो बस अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और मुझे भी फायदा हो सके जी। वर्क पावर एनर्जी का इसके बाद हम लोग करेंगे। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।